तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छे होगा। तो यार आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबके फेवरेट जी एलेक्स परेरा और खालिल के बारे में, जिनकी फाइट होने वाली है एलेक्सेस यूएफसी 307, जो कि भाई अभी आने ही वाला है। ऐसे तो बहुत सारे बंदे सोच रहे हैं कि भाई एलेक्स के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन एलेक्स जिनसे फाइट कर रहे हैं वो एक नॉर्मल फाइटर नहीं है भाई, वो एक इलीट फाइटर है और वो एक बहुत ही तगड़ी मतलब स्ट्राइकिंग एबिलिटी को कैरी करते हैं और वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली हिट करते हैं। तो इस फाइट को लेकर एलेक्स परेरा के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, लेकिन जिस दिन ये फाइट होगी आपको पता लग जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा इस संडे को, क्योंकि जो पंचिंग पावर है एलेक्स की तो सबने देखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे एलेक्स लैग करते हैं वो है रेसलिंग में, ठीक है, वो है जो काउंटर बैक्स में। लेकिन जो है खालिल हैं वो भाई वो नहीं छोड़ते भाई, उनकी स्पीड है, ठीक है, उनके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज हैं, वो ज़्यादा तेज़ मूवमेंट करते हैं। तो ये फाइट 50-50 तो मतलब कतई नहीं होने वाली, ठीक है ना। एलेक्स का अपर हैंड अभी तक लग रहा है, लेकिन टाइम आने पर तभी पता लगता है कि भाई क्या हो जाता है। लेकिन जब फाइट में ये बेल स्टार्ट होगी तो पहले ही राउंड में आपको पता लग जाएगा भाई उनके ओपोनेंट क्या चीज़ है। उनकी ट्रेनिंग वीडियो आई थी जो हमने सबने देखी कि उन्होंने एक किक में कैसे एक बंदे को केज से बाहर कर दिया। ये कुछ प्रमोशनल कह सकते हैं वीडियोस होती हैं, लेकिन इन वीडियोस के आउटकम मतलब इन वीडियोस के पीछे जो फाइटर्स की स्ट्रेंथ है ना, आप उनको देखिए कि चाहे ये ओपोनेंट को डराने के लिए ये क्लिप्स जो हैं वो वायरल की जाती हैं, लेकिन उनमें जान तो होती है भाई। तो एलेक्स को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और एलेक्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट हैवीवेट डिवीजन को डिफेंड किया है। अगर उन्होंने इसको भी डिफेंड कर दिया तो मुझे लगता है कि एलेक्स को हैवीवेट में पुश करना चाहिए, उनको जो मिडल वेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई मिडल वेट में एलेक्स का एक तो वेट कट होता है और वेट कट की वजह से उनका जो बॉडी है उनका इतना साथ नहीं देती। आपने इसराइल वाली फाइट में, इसराइल एंडरसानिया वाली फाइट में देख ही लिया होगा कि एलेक्स का क्या हाल हुआ था, क्योंकि कुछ डिहाइड्रेशन भी होती है भाई, जो बंदा हाइड्रेट नहीं कर पाता फाइट से पहले, अपने आप को फुली हाइड्रेट नहीं होता, तो वो चीज़ उसको नुकसान करती है, नॉकआउट करवाती है। तो एलेक्स के साथ भी वैसा ही हुआ था और इसराइल एंडरसानिया बस एक ही बात कहेंगे जी। तो एलेक्स परेरा को मिडल वेट में ना आकर हैवी वेट में पुश करना चाहिए। क्या वो हैवी वेट में भी अपना जो लेगेसी है वो कैरी कर पाएंगे जी? अगर बहुत सारे हैवी वेट्स के साथ तो वो कम्पीट अच्छी तरीके से कर ही लेंगे, क्योंकि उनका नेचुरल वेट जो है वो भाई 235-240 के अराउंड है और वो इतना पुश इतना गेन तो कर ही लेंगे। उनका जो बॉडी का मास है वो बहुत ही ज़्यादा लीन है, वो गेन कर सकते हैं और मसल भी कैरी कर सकते हैं इस स्टेट में। और अगर इस फाइट का आउटकम मैं आपको बताऊं तो भाई एलेक्स को ध्यान रखना पड़ेगा तभी वो जीत पाएंगे, अदरवाइज ये फाइट एलेक्स के लिए खतरनाक होने वाली है। अगर मैं किसी एक को चुनूंगा तो मैं जो है फोकस्ड एलेक्स परेरा को चुनूंगा, लेकिन अगर वो अनफोकस्ड और ओवर कॉन्फिडेंट हुए तभी उनकी गेम और उनकी चैम्पियनशिप जाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भाई जो पंजाबी में एक कहावत है कि बगानी माँ दा पुत नहीं छड़ता, सो खालिल उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर एलेक्स ने उनको कोई गैप दे दिया, कोई मतलब अपने अंदर कमी उनको नज़र आई, तो खालिल उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल में है और वो चाहते हैं कि ये चैम्पियनशिप उनकी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी वीडियोस आएंगी जैसे ही टाइम मिलेगा, एडिट करके साथ के साथ अपलोड होंगी। तो थैंक यू।